दोस्तों ये वीडियो यूरोप की है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक शैतान किस तरह इस्लाम से अपनी दुश्मनी जाहिर कर रहा है और वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम यानी कुरान मजीद को जलाने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ मुस्लिम नौजवानों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो ताज़िंदगी याद रखेगा, उसे भूलेगा नहीं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों दीन इस्लाम पर एतराज करने वाले, इस्लाम से और मुसलमानों से दुश्मनी मोल लेने वाले और कुरान करीम की तौहीन करने वाले हर दौर में पाए जाते हैं और यूरोप के कुछ मुल्कों में कुरान करीम के तौहीन करने वाले वाकयात अक्सर पेश आते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई मर्दूद कुरान करीम की तौहीन करने की कोशिश करता है तब जरूर कोई न कोई मर्द मुजाहिद आकर उसे ऐसा सबक सिखाता है कि जिसे सारी दुनिया याद रखे। ऐसे ही एक वीडियो यूरोप की वायरल हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मर्दूद शख्स रोड पर खड़ा होकर कुरान करीम को जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक मुस्लिम नौजवान आता है और उसके हाथ से कुरान मजीद छीन लेता है। तभी एक दूसरा नौजवान आगे बढ़कर उसकी ऐसी पिटाई करता है कि जिसे देखकर हर ईमान वाले का दिल खुश हो जाए। क्योंकि दोस्तों दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला हर एक शख्स अपने दीन से, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के मुकद्दस कलाम से इतनी मोहब्बत तो जरूर रखता है कि वक्त आने पर उसकी गैरत बेदार हो जाए। और इस वीडियो में ऐसा ही हुआ कि जब इस शैतान ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की तो मुस्लिम नौजवानों ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। दोस्तों इस मुस्लिम नौजवानों ने जो किया उस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कुरान मजीद की तौहीन करने वालों को पता चल सके कि कुरान करीम की तौहीन करने का अंजाम